Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नाम डॉक्टर दिग्विजय सिंह है मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि एवं शासन प्रणाली पीठ में आ, सहायक प्राध्यापक हूं और आज मैं श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं श्रम एवं औद्योगिक विधि को दो भागों में बांटा गया है भागवन भाग टू भाग और इस पाठ्यक्रम में मैं भागवन पर आ, आ, ध्यान केंद्रित करूंगा और इस भाग में टोटल दस व्याख्यान होंगे और आज मैं पहला व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं पहले व्याख्यान का शीर्षक है औद्योगिक संबंध का अर्थ एवं महत्व श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान औद्योगिक संबंध पर केंद्रित करता है उद्योगों में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच क्या संबंध हो उस संबंध को कैसे रेगुलेट करें और उस संबंध का क्या महत्व है इसी विषय पर केंद्रित करते हुए पहला व्याख्यान है इस व्याख्यान का उद्देश्य औद्योगिक संबंध के अर्थ और संकल्पना को समझना तत्पश्चात औद्योगिक संबंधों के संस्थागत करण को समझना कैसे राज्य आ, अपना हस्तक्षेप यहाँ पर लेके आता है और इसको रेगुलराइज करता है औद्योगिक संबंध पर कानूनी दस्तावेज को जानना और पर्टिकुलरली भारत में क्या क्या कानूनी दस्तावेज हैं इस संबंध को विनियमित करने के लिए औद्योगिक संबंध के विषय क्षेत्र को जानना औद्योगिक संबंध के उद्देश्य को जानना तथा औद्योगिक संबंध के विभिन्न स्वरूप को समझना इसके पश्चात इस, इस व्याख्यान में हम औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझेंगे तथा अंत में स्वस्थ औद्योगिक संबंध के विकास में क्या कठिनाइयां आ रही हैं इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे औद्योगिक संबंध सामान्यतः औद्योगिक संबंध एक ऐसा संबंध है जो इंडस्ट्री उद्योग से संबंधित है उद्योग में जब नियोक्ता किसी कर्मचारी को नियोजित करता है तो उस नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो संबंध बनता है इसको हम औद्योगिक संबंध कहते हैं और विस्तृत अर्थों में औद्योगिक संबंध का तात्पर्य नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध है लेकिन यह संबंध नियोजन के संदर्भ में ही होना चाहिए अर्थात हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध नियोक्ता और कर्मचारी के बीच नियोजन से जुड़ी हुई संबंध है अगर हम लेखकों के वक्तव्य पर ध्यान दें तो डोल डे लंगर के अनुसार यह रिश्तों के एक पूरे क्षेत्र का पदनाम है औद्योगिक संबंध एक पदनाम है जो उद्योग की रोजगार प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं के आवश्यक सहयोग के कारण मौजूद है कैसे पुरुष और महिला नियोक्ता के द्वारा नियोजित किए जाते हैं और उसके बाद नियोक्ता का उन लोगों के साथ संबंध स्थापित होता है इसी संबंध का पदनाम है औद्योगिक संबंध भारतीय लेखक आर.सी. गोयल के अनुसार औद्योगिक संबंध इस सिक्के के दो पहलू हैं एक आपका है सहयोग और दूसरा है संघर्ष औद्योगिक संबंध में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है यह संबंध सहयोग और संघर्ष के बीच की एक 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 कहानी कह सकते हैं और माना यह जाता है कि औद्योगिक संबंध में दोनों पक्षकारों चाहे वो नियोक्ता हो चाहे कर्मचारी हो इनकी ओर से जितनी अधग, अधिक अधिक संतुष्टि होगी यह औद्योगिक संबंध उतना ही स्वस्थ होगा अब क्वेश्चन यह उठता है कि क्यों औद्योगिक संबंध स्वस्थ हो एक्चुअली किसी भी उद्योग का सक्सेस नियुक्ता के उद्योग स्थापित करने का उद्देश्य और एक वर्कर का एक कर्मचारी का नियोजित होने का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब उस उद्योग में पर्याप्त उत्पादन हो और उस उत्पादन के फलस्वरूप पर्याप्त आर्थिक लाभ हो और ये आर्थिक लाभ नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए माने रखता है कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोच कर के उद्योग स्थापित नहीं करता है कि उसे लाभ नहीं लेना है उद्योग स्थापित करने का पहला उद्देश्य होता है लाभ सुनिश्चित करना और उसी लाभ में से एक शेयर एक अंश चाहे मजदूरी के रूप में या फिर भत्ते के रूप में कर्मचारी को भी मिलता है इसलिए वो आर्थिक लाभ नियोक्ता के साथ साथ कर्मचारी के लिए भी महत्वपूर्ण है भारत ने श्रम विधि को विकसित करने के लिए उस पर सुझाव के लिए 1967 में पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया था और इस राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 में उन्नीस में पहला पहली बार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और और इस इस आयोग का मानना था कि औद्योगिक संबंधों के मूल मुद्दे बारह प्रकृति के हैं और इस प्रकार कभी भी कोई समाधान नहीं हो सकता यह एक ऐसा संबंध है औद्योगिक संबंध एक ऐसा संबंध है जो कभी स्थिर रूप में अच्छा या बुरा नहीं हो सकता औद्योगिक संबंध अगर आज अच्छा है तो कल बुरा हो सकता है और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा हो सकता है इसलिए ये जो संकल्पना है औद्योगिक संबंध की संकल्पना ये संकल्पना एक गतिशील संकल्पना है और इसलिए इस इस पूरी संकल्पना में कभी हमको स्वस्थ संबंधों पर फोकस करना पड़ेगा कभी हम उस संबंध जब बिगड़े हुए हैं तो उसकी हालातों की भी चर्चा करनी होगी और कैसे उन हालातों को दोबारा सुधारा जाए इस पे भी चर्चा करनी होगी औद्योगिक संबंध का अर्थ और संकल्पना जैसा मैंने आपसे कहा नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध औद्योगिक संबंध कहलाता है लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह औद्योगिक संबंध नियोजन के संदर्भ में है मुख्यतः यहां पर दो पक्ष है एक नियोक्ता और दूसरा कर्मचारी एक पक्ष नियोक्ता कहलाता है दूसरा पक्ष कर्मचारी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन दोनों पक्षों के अलावा राज्य को भी एक पक्ष माना जाता है क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है एज ए लोक लोक कल्याणकारी राज्य राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हो और यह देखे कि इस संबंध को विनियमित करने के लिए क्या आवश्यकता है क्योंकि अंततः अगर ये संबंध डिस्टर्ब होगा उत्पादन प्रभावित होगा तो पूरा का पूरा समाज इससे प्रभावित होगा इसलिए स्टेट की भूमिका महत्वपूर्ण है आगे के भाग में हम इस इस संबंध पर फोकस करेंगे राज्य की भूमिका पर फोकस करेंगे कहा जाता है कि औद्योगिक संबंध एक, एक जटिल मानवीय संबंध है जो कार्य स्थिति से उभरता है नियोक्ता ने कर्मचारी को नियोजित किया नियोक्ता ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया और कर्मचारी अपना लेबर इन्वेस्ट करेगा और इन दोनों समन्वय से इन दोनों के कोलैबोरेशन से प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्शन के लिए दोनों पक्षकारों में एक कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है मतलब ये जो संबंध है दोनों के बीच में वो कार्य स्थिति से उभरता है क्या कार्य करना है किन स्थितियों में वो कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को क्या क्या भुगतान किए जा रहे हैं या फिर किन स्थितियों में कार्य करना है ये सारी बात यहां पर प्रभावित होगी औद्योगिक संबंध में बेसिकली नियोक्ता और कर्मचारी का आर्थिक हित ध्यान में रखा जाता है और यही आर्थिक हित है जो नियोक्ता और कर्मचारी जो दो स्वतंत्र पक्षकार हैं दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता है कोई भी कर्मचारी बिना आर्थिक हित के नियोजन में नहीं जाता है कोई भी नियोक्ता बिना आर्थिक हित के उद्देश्य से कोई भी नियोजन स्टार्ट नहीं करता कोई उद्योग स्थापित नहीं करता तो आर्थिक हित का जो ये मूल बिंदु है केंद्र बिंदु है ये दोनों के लिए अपरिहार्य है आवश्यक है और इसी के संदर्भ में इन दोनों के बीच में जो संबंध बन स्थापित होता है उसी संबंध को रेगुलेट करने की विनियमित करने की आवश्यकता है हेनरी रिचर्डन रिचर्डसन के अनुसार औद्योगिक संबंध उत्पादन के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के एक साथ रहने की कला है अब यहाँ पर जो सेंट्रल पॉइंट है वो उत्पादन है नियोक्ता और कर्मचारी का एक साथ आने का जो पर्पज है जो उद्देश्य है वो उत्पादन को सुनिश्चित करना अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है और पूरे सेटअप का पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप का होल सोल ऑब्जेक्टिव होता है उस उत्पादन को सुनिश्चित करना औद्योगिक संबंध उत्पादन के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के एक साथ रहने की कला है एक साथ रहने की कला क्यों आप समझिए इसको जब हम नियोक्ता की बात करते हैं तो नियोक्ता एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय है जो कैपिटलिस्ट क्लास कहलाता है जिसके पास पूंजी है जो पूंजी का निवेश कर रहा है और दूसरी तरफ जो नियोजित होने जा रहा है जो कर्मचारी है जो एम्प्लॉई है वो एक ऐसा वर्ग है जो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए उस नियोक्ता के पास काम करने के लिए जाता है और अपने लेबर को वहां पर आ, इन्वेस्ट करता है ऐसे में जो ये औद्योगिक संबंध है ये औद्योगिक संबंध बेसिकली दो ऐसे लोगों के बीच में संबंध है जो एक दूसरे के अपोजिट है एक पूंजीपति है और दूसरा अपने अपना आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां पर गया हुआ है ऐसे में ऐसे दो लोग एक साथ आए और मिलकर के अपने आर्थिक हित को सुनिश्चित करें और उत्पादन को आ, अश्योर करें उसके लिए इन दोनों का एक साथ आना सच में कला ही कहा जाएगा इसके बाद जैसा मैंने आपसे बताया नियोक्ता और कर्मचारी का सामान्य उद्देश्य उत्पादन है औद्योगिक संबंध जब भी हम औद्योगिक संबंध को परिभाषित करें या फिर जब भी हम औद्योगिक संबंध अच्छा है बुरा है इस 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 डिटर्मिनेशन में जाते हैं इसको डिटर्मिन करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस संबंध का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इफ़ इफ़ प्रोडक्शन इज़ गुड अगर उत्पादन अच्छे से हो रहा उद्योग में तो हम ये प्रज्यूम करके चलते हैं हम ये मान करके चलते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो संबंध है वो अच्छा संबंध है और वैसे भी अगर एक अगर कर्मचारी कर्मचारियों का समूह अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा संतुष्ट नहीं रहेगा उत्पादन पर ध्यान नहीं देगा उत्पादन पर फोकस नहीं करेगा तो उत्पादन सुनिश्चित नहीं होगा ऐसे में उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध को विनियमित करने की आवश्यकता है और इस विनियमन के लिए राज्य के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़ती है औद्योगिक संबंध बेसिकली एक समायोजन की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में नियोक्ता और कर्मचारी एक दूसरे के साथ रहने में समायोजन करने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं अगर ये एक दूसरे से समायोजित कर लेते हैं तो उत्पादन को ये लोग बढ़ावा देंगे अगर ये एक दूसरे से समायोजित नहीं कर पाते हैं तब ऐसे में उस उद्योग में एक एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एक द्वंद स्टार्ट हो जाएगा और उत्पादन प्रभावित होगा तो ये जो समायोजन की प्रक्रिया है इस समायोजन की प्रक्रिया का रिजल्ट होगा उसका परिणाम होगा कि औद्योगिक संबंध कैसा है आगे बढ़ते हुए आरे लेस्टर के अनुसार औद्योगिक संबंध परस्पर विरोधी उद्देश्यों और मूल्यों के बीच व्यावहारिक समाधान का प्रयास शामिल करता दो चीजें यहाँ पर है परस्पर विरोधी उद्देश्य और मूल्य वो क्या परस्पर विरोधी उद्देश्य और मूल्य हैं जिसके लिए नियोक्ता और कर्मचारी एक साथ आते हैं और उसका कोई व्यावहारिक हल ढूंढ हैं। अगर इसको हम देखें तो डिटेल में पहला पॉइंट है प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा के बीच एक द्वंद यहां पर जो विरोधी उद्देश्य हैं एक है प्रोत्साहन और दूसरा है औद्योगिक सुरक्षा नियोक्ता जब आता है नियोक्ता जब जब उद्योग स्टार्ट करता है उद्योग की शुरुआत करता है तो वो एक तरह से एक प्रोत्साहन स्टार्ट करता है कि कैसे हम उत्पादन को बढ़ाएं उसका उद्देश्य होता है उत्पादन को बढ़ाना और इस उत्पादन के माध्यम से आर्थिक हित सुनिश्चित करना दूसरी तरफ जब कर्मचारी आता है नियोक्ता के पास नियोजित होता है तो इसका जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक सुरक्षा का उद्देश्य होता है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर फोकस करता है वो अपने अर्निंग को सुनिश्चित करना चाहता है उसकी जो भी मजदूरी जो भी वेजे जो भी बोनस हो वो सुनिश्चित हो उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो उस पर वो फोकस करता है तो इस तरह से यहाँ पर दो परस्पर विरोधी उद्देश्य हैं एक उद्योग को स्थापित करने और इन दोनों के बीच हमें औद्योगिक संबंध स्थापित करना है और उसको एग्जामिन करना है दूसरी बात है अनुशासन और औद्योगिक लोकतंत्र के बीच जब भी नियोक्ता कर्मचारी को नियोजित करेगा तो नियोक्ता का ये प्रयास रहेगा कि उसके नियोजन में जितने भी कर्मचारी हैं उसके उद्योग में जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग अनुशासित रहें क्योंकि अगर वो लोग अनुशासित रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे तभी हम अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित कर पाएंगे तभी हम अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित कर पाएंगे और दूसरी तरफ है जब भी आप अनुशासन की बात कर रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं अनुशासन की आड़ में औद्योगिक लोकतंत्र को आप नियंत्रित कर रहे हैं या फिर उसको खत्म कर रहे हैं एक उद्योग में लोकतंत्र का होना भी आवश्यक है जितने भी नियोजित कर्मचारी हैं वो उसमें उद्योग के प्रबंधन में भाग लें उद्योग में लिए जाने वाले हर निर्णय में उनकी भूमिका हो इस पे भी हमको देखना पड़ेगा तो आप यहाँ पर अनुशासन और औद्योगिक लोकतंत्र ये दो परस्पर विरोधी मूल्य हैं और इन दोनों परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच में हमें एक औद्योगिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है इसके बाद प्राधिकार और स्वतंत्रता के बीच ये दो और विरोधी उद्देश्य हैं जब भी एम्प्लॉयर वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयी को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसका उस पर प्राधिकार स्थापित होता है और वो उस प्राधिकार का उपयोग भी करना चाहता है उस प्राधिकार को उपयोग के, के उपयोग करने का प्रयास ये होता है कि जिससे हम उत्पादन को अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित कर सकें दूसरी तरफ जब आप प्राधिकार यूज करेंगे जब नियोक्ता कर्मचारियों को कर्मचारियों के ऊपर अपना आ, आ, प्राधिकार यूज करेगा तो कहीं ऐसा ना हो उस प्राधिकार की आड़ में कर्मचारियों की स्वतंत्रता बाधित हो जाए तो यहां पर जो दो आ, परस्पर विरोधी मूल्य हैं या उद्देश्य हैं वो प्राधिकार और स्वतंत्रता है नियोक्ता का प्राधिकार और कर्मचारियों की स्वतंत्रता इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य इसके बाद अगला पॉइंट है सौदेबाजी और सहयोग के बीच जो कर्मचारियों का ग्रुप होता है जो कर्मचारियों का समूह होता है वो समूह सामान्यतः एक सामूहिक सौदेबाजी का यूज करता है और उसके माध्यम से नियोक्ता से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करता है तो जो सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना है ये सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी है इस सामूहिक सौदेबाजी को यूज़ करके कर्मचारियों का समूह नियोक्ता पर एक दबाव डालते हैं और अपने बातों को मनवाते हैं और उसके दूसरी तरफ जो विरोधी उद्देश्य है वह है सहयोग जब भी आप औद्योगिक संबंध की बात करेंगे तो औद्योगिक संबंध की जो 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 विस्तृत अवधारणा है ये कर्मचारी और नियोक्ता के सहयोग पर आधारित है अगर कर्मचारीगढ़ केवल और केवल सामूहिक सौदेबाजी का यूज करेंगे और नियोक्ता पर दबाव डालेंगे तो ऐसे में वहाँ पर सहयोग की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाएगा और अगर सहयोग की प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा तो ये सहयोग और सौदेबाजी आपस में विरोधी उद्देश्य या मूल्य बन के रह जाएंगे और फिर एक अच्छा औद्योगिक संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा उस इंडस्ट्री में तो इस तरह से जो साहब आपका मानना है कि औद्योगिक संबंध परस्पर विरोधी उद्देश्यों और मूल्यों के बीच एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने का प्रयास है अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आईएलओ को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के अनुसार औद्योगिक संबंध या तो राज्य और नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के बीच या स्वयं व्यावसायिक संगठनों के बीच एक संबंध है औद्योगिक संबंध संबंध का एक उपनाम है अब यहां पर पक्षकार कौन कौन है यहां पर आपको मिलेगा आईएलओ के अनुसार राज्य भी औद्योगिक संबंध का एक पक्षकार है लेकिन यहां पर राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि जब आप कर्मचारी और नियोक्ता के बीच संबंध की बात करेंगे तो ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिनका जिनकी जो परिस्थिति है एक दूसरे के विपरीत है ऐसे में जो नियोक्ता है उसका कर्मचारियों के ऊपर एक प्रभुत्व स्थापित करने की टेंडेंसी होगी ऐसे में वहाँ पर अव्यवहारिक श्रम प्रथाएँ भी शुरू की जा सकती हैं और ऐसे में लॉ बना करके विधि के माध्यम से स्टेट के द्वारा ऐसे संबंधों को विनियमित करने के लिए प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर जो राज्य का संबंध है एक अप्रत्यक्ष पक्षकार के रूप में है राज्य के अलावा जो महत्वपूर्ण पक्षकार हैं यहां पर आई के अनुसार वह है नियोक्ता और श्रमिक तो श्रमिक को यहां पर श्रमिक संगठन या फिर नियोक्ता को आप नियोक्ता संगठन के रूप में भी देख सकते हैं नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के बीच या स्वयं व्यावसायिक संगठनों के बीच का संबंध है नियोक्ताओं का अपना संगठन दूसरे नियोक्ताओं का अपना संगठन उनके बीच संबंध नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के बीच का संबंध और राज्य भी इसमें पक्षकार के रूप में है इनके बीच जो संबंध स्थापित होता है उत्पादन को विनियमित करने के लिए उसको हम औद्योगिक संबंध के रूप में जानते हैं भारत में श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग उन्नीस के अनुसार जब कोई देश आर्थिक प्रगति करने की योजना बनाता है तो औद्योगिक सद्भाव की खोज अपरिहार्य है औद्योगिक सद्भाव का तात्पर्य यहाँ पर है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का अगर ये संबंध किसी भी कारण अगर अगर ये इसमें व्यवधान आता है अगर ये डिस्टर्ब होता है तो अंततः उस उद्योग में जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी उत्पादन प्रभावित होगा और वो जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में समाज में नहीं पहुंचेंगी तो अंततः समाज में भी उसका प्रभाव पड़ेगा तो इसलिए जो औद्योगिक सद्भाव की आवश्यकता है वो औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है तो जब भी औद्योगिक विकास को बढ़ाने कि या फिर उसको प्रमोट करने की योजना बनेगी तो औद्योगिक सद्भाव पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ये औद्योगिक सद्भाव औद्योगिक संबंध का ही एक रूप है और और इसी औद्योगिक संबंध के आधार पर हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि औद्योगिक सद्भाव औद्योगिक संबंध कैसा है नियुक्ता और कर्मचारियों के बीच किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, के कंटेक्स्ट में अब बात हो रही है औद्योगिक संबंधों के संस्थागतकरण की कैसे राज्य की भूमिका इसमें परिलक्षित होती है कैसे राज्य इसमें शामिल होता है अगर हम लेजिस स्टेट की बात करें एक ऐसी संकल्पना जहां पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था विशेष रूप से आर्थिक मामलों में जिसको हम स्टेट कहते हैं लेकिन जैसे ही आप लेजिस्टि स्टेट से वेलफेयर स्टेट में आते हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को आप आप फॉलो करते आप, आप, हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य की ये भूमिका हो जाती है कि वो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हितों को ध्यान में रखें लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का ये परम दायित्व है कि वो अपने हर जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ग्रुप हैं समाज में चाहे वो नियुक्ता हों चाहे कर्मचारी हों चाहे वो उपभोक्ता हो सबके हितों को वो संरक्षित करें उसकी देखभाल करें तो लेजिस्र स्टेट में जब अहस्तक्षेप की नीति थी और राज्य को ये प्राधिकार नहीं था कि वो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके उस समय जो नियोक्ता होते थे बेसिकली वो पूंजीपति होते थे और वो कर्मचारियों के श्रम का शोषण करना स्टार्ट कर दिए थे और और इसलिए ये कहा गया कि नहीं लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य की भूमिका अपरिहार्य है और राज्य को इंडस्ट्रियल रिलेशंस को औद्योगिक संबंध को विनियमित करने के लिए आगे आना होगा और ये कहानी सामान्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आ, स्टार्ट होती है जब जब ये देखा जाता है कि आ, जो जो डार्क साइड है आ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वो है श्रम का शोषण तो ऐसे में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है औद्योगिक संबंधों को संस्थागत बनाने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर उद्योग में न्यूनतम मजदूरी कितना होगा या वो मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर राज्य इनको छोड़ दे तो नियोक्ता मनमाने रूप से इनको निर्धारित करेगा और अंततः श्रम का शोषण होगा तो ऐसे में इन सारी चीजों को विनियमित करने के लिए लॉ बनाने के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्य को इस औद्योगिक संबंध में हस्तक्षेप करना पड़ता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज जिस औद्योगिक संबंध की हम बात कर रहे हैं ये औद्योगिक संबंध नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध है लेकिन इस संबंध को विनिमित करने में इस संबंध को बनाए रखने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य अपनी भूमिका का निर्वहन सामान्यतः कानून बनाकर करता है कानून बना दिया जाएगा और जो नियोक्ता होगा जो कर्मचारी होगा उसको उस कानून का पालन करना होगा और इस तरह से औद्योगिक संबंध का विनियमन होगा राज्य के द्वारा संस्थागत करना होगा इस प्रक्रिया का उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारी के बीच समायोजन और सहयोग स्थापित करना है जब राज्य इस इस औद्योगिक संबंध में हस्तक्षेप करता है तो राज्य का हमेशा और हमेशा उद्देश्य रहता है कैसे इस संबंध को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के बीच समायोजन और सहयोग की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए क्योंकि ये दो चीज़ें औद्योगिक संबंध का आधार है समायोजन और सहयोग नियोक्ता और कर्मचारी को एक दूसरे के प्रति समायोजन का भाव रखना पड़ेगा एक दूसरे से सहयोग का संभाव रखना पड़ेगा और इस तरह से औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित किया जाए एलन फ्लैंडर्स और एच ए क्लेग ने औद्योगिक संबंधों को संस्थागत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया औद्योगिक संबंध को संस्थागत बनाने का तात्पर्य हुआ कि राज्य की भूमिका सुनिश्चित की जाए जब तक राज्य इस संबंध को विनियमित करने के लिए आगे नहीं आएगा तब तक इस संबंध को बनाने में विनियमित करने में बहुत कठिनाई होगी राज्य एक प्राधिकार के रूप में विधि बना करके इस संबंध को सुनिश्चित कर सकता और ये भी जो संकल्पना विकसित हुई ये प्रारंभिक रूप से जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे वेस्ट कंट्रीज थे वहीं पर स्टार्ट हुआ इस संस्थागत औद्योगिक संबंध के संस्थागतकरण का तात्पर्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच हितों के टकराव के कारण उत्पन्न समस्या की ओर ध्यान केंद्रित कर औद्योगिक संबंध एक ऐसा संबंध है जहाँ पर हितों का टकराव बहुत सामान्य बात है किसी भी उद्योग में जहाँ पर आज चीज़ें बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं कल को किसी बोनस को लेकर के किसी सुविधा को लेकर के किसी और आ, 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 मांग को लेकर के जो कर्मचारियों का समूह है उनका जो ट्रेड यूनियन है अपनी मांग नियोक्ता के समक्ष रखते हैं और नियोक्ता उन मांगों को ठुकरा देता है ऐसे में वो औद्योगिक संबंध जो बहुत सुचारू रूप से चल रहा था अगले ही पल वो औद्योगिक संबंध बहुत प्रभावित हो जाता है तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि औद्योगिक संबंध में हितों का टकराव होना बहुत ही आम बात है और उसी हितों के टकराव को रोकने का प्रयास करना है राज्य को कानूनों के माध्यम से अगर राज्य कानून बना करके उन हितों के टकराव या उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान के रूप में अगर अग, अगर अगर समाधान प्रस्तुत करता है तो औद्योगिक संबंध के प्रभावित होने या फिर उसके आ, आ, डिस्टर्ब होने के के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे हीगल के अनुसार औद्योगिक संबंध की सतत प्रक्रिया सहयोग संघर्ष और सहयोग है अगर इसको हम देखें तो जो औद्योगिक संबंध आज सहयोग की टेंडेंसी दिखा रहा है कल वो संघर्ष में बदल सकता है और जो औद्योगिक संबंध अभी संघर्ष से गुजर रहा है अगले पल वहाँ पर फिर से सहयोग के माध्यम से हम औद्योगिक संबंध को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर औद्योगिक संबंध में हमेशा तीसिस एंटी थीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पर हमेशा केवल थीसिस की स्थिति हो एंटीथीसिस थीसिस की भी स्थिति होगी और सिंथेसिस की भी स्थिति होगी तो अगर आज सहयोग है बहुत अच्छी बात है अंतर जो औद्योगिक संबंध है वो अच्छा है कल को अगर हितों का टकराव होता है और वही सहयोग संघर्ष में बदलता है तो फिर संघर्ष में बदलने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें फिर से सहयोग की तरफ बढ़ना होगा अगर किसी उद्योग में संघर्ष की स्थिति नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हितों के टकराव की स्थिति एक लंबे समय तक विद्यमान रहती है तो इससे केवल और केवल उत्पादन प्रभावित होगा अंततः आर्थिक हित प्रभावित होगा नियोक्ता का भी और कर्मचारी का इसलिए हमको संघर्ष की हर स्थिति में सहयोग पर फिर से पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है और इस तरह से जो औद्योगिक संबंध के संस्थागत करने का प्रयास है वो इस सहयोग और संघर्ष से फिर पुनः सहयोग तक पहुंचने का प्रयास है अगर हम औद्योगिक संबंध पर कानूनी दस्तावेज की बात करें मैं भारत में जो कानूनी दस्तावेज हैं उसकी बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से प्रावधान हैं भारतीय संविधान में या फिर अन्य विधियों में जिसमें औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए विनियमित करने के लिए राज्य की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है भारत के संविधान के तहत जो प्रासंगिक प्रावधान है उसमें पहला प्रावधान आपका अनुच्छेद उनतालीस ए में मिलेगा जो आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करने की बात करता है अनुच्छेद उनतालीस ए डायरेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो संविधान के भाग चार में दिया गया है उसमें मेंशन है औ, और और संविधान का भाग चार राज्य के ऊपर एक दायित्व अधिरोपित करना है कि राज्य को किस तरह की अपनी नीति को विकसित करना है जिससे इन उद्देश्यों का पूरा हो सके और उसमें पहला उद्देश्य है आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करना अर्थात जो भी कर्मचारी जो भी नियो, नियोक्ता है उनके लिए आवश्यक है कि वह कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा इकोनॉमिक सिक्योरिटी सुनिश्चित कर अर्थात सबके पास काम हो अगर काम होगा तो उनके श्रम का उनको कीमत मिलेगा और इस तरह से उनका आर्थिक हित सुनिश्चित हो पाएगा इसके बाद जो अगला प्रावधान है वो अनुच्छेद उनतालीस डी में है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है यह राज्य की जिम्मेदारी है अगर कोई ऐसा उद्योग है जहां पर महिलाओं को एक अलग वेतन मान दिया जा रहा है पुरुषों को अगर एक अलग वेतन मान दिया जा रहा है और वो भी समान कार्य के लिए तो ये संविधान के इस उपबंध का उल्लंघन होगा और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य ये देखे कि समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिले अगर हम कृषि की बात करें भारत में तो तो एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है जहाँ पर कृषि में या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर काम करते हैं वहाँ पुरुषों को एक अलग कीमत मिलता है और महिलाओं को एक अलग कीमत मिलता है आज भी स्वतंत्रता के चौहत्तर साल बाद भी आज भी महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन नहीं मिलता है समान कार्य के लिए तो ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी है कि कैसे राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन करता है अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि अगर किसी उद्देश्य किस किसी उद्योग में महिला कर्मचारी भी हैं और पुरुष कर्मचारी भी हैं और पुरुष कर्मचारी को एक अलग वेतन मान दिया जा रहा है एक अलग मजदूरी दी जा रही है महिलाओं को अलग मजदूरी दी जा रही है तो ऐसे में सामान्यतः महिलाएं इसका विरोध करेंगी और इस विरोध का जो 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 परिणाम होगा वो नियोक्ता और महिला कर्मचारियों के बीच हितों का टकराव होगा और अगर ऐसा होता है तो उस उद्योग में औद्योगिक संबंध जो है वो फिर डिस्टर्ब होगा वहाँ पर फिर उत्पादन प्रभावित होगा आगे जो अगला प्रोविजन है वो अनुच्छेद 41 में है और ये प्रोविजन है काम का अधिकार सुरक्षित करना ये राज्य की जिम्मेदारी है राज्य का ये उत्तरदायित्व तो है कि वो काम सुनिश्चित करे काम के अधिकार को सुनिश्चित करे हमारे पास काम होगा तभी हमारे पास आर्थिक सुरक्षा होगी तभी हमारी कोई आमदनी होगी तो ऐसे में हमें काम मिले ये जिम्मेदारी स्टेट की है अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा सामान्यतः इसी दर्शन पर आधारित है कि यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह लोगों के लिए काम सुनिश्चित करे इसके बाद जो अगला प्रावधान है वह अनुच्छेद फोर्टी टू में है 42 में है वह है कार्य की उचित एवं मानवीय स्थिति सुरक्षित करना अगर कोई कर्मचारी किसी उद्योग में काम कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस उद्योग में किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार है किसी भी उद्योग में जो काम करने की परिस्थितियां हैं वो मानवीय होना चाहिए यहाँ पर मानवीय का तात्पर्य हुआ कि वहाँ पर उनके जो उठने बैठने का उनके रहने का और चीज़ों के लिए जो प्रावधान हो वो बहुत आ, आ, मानवीय स्थिति के अनुसार हो उसमें बहुत ज़्यादा अमानवीय प्रैक्टिसेस प्रथाएं यूज न की जाए इसके बाद अगले प्रोविजन में अनुच्छेद तिरालीस में श्रमिकों के जीवन यापन के लिए मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना है जो श्रमिक वर्ग है जो कर्मचारी वर्ग हैं उनके जीवन यापन के लिए मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करना केवल मजदूरी मिल जाने से केवल मिनिमम वेज मिल जाने से एक सभ्य जीवन सुनिश्चित हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ये राज्य की जिम्मेदारी है राज्य को वो सारे आवश्यक उपाय करने होंगे जिसमें कोई भी कर्मचारी कोई भी वर्कर एक सभ्य जीवन जी सके यहाँ पर सब जीवन जीने का मतलब है उसके लिए रहने का खाने का चिकित्स की और, और शिक्षा का उचित उचित प्रबंध हो इसके बाद जो अगला प्रोविजन है वो अनुच्छेद सैतालीस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहता है औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि औद्योगिक संबंध में एक एक औद्योगिक प्रजातंत्र लोकतंत्र भी होना चाहिए औद्योगिक लोकतंत्र का तात्पर्य कि औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों को भी भागीदार बनाया जाए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल किया जाए और उसके माध्यम से कोई निर्णय लिया जाए और इसके लिए जो अनुच्छेद सैंतालीस है वो औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को जिम्मेदारी दी है राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है अगर औद्योगिक संबंध पर जो कानूनी दस्तावेज हैं और जो स्पेसिफिक कानूनी दस्तावेज हैं हम उसकी चर्चा करें तो भारत सरकार ने औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कानून बनाए हैं और उसमें पहला है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926. ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के माध्यम से कर्मचारियों को वर्कर्स को एम्प्लॉयी को एम्प्लॉयर को अपना ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है और ट्रेड यूनियन बना कर के वो अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से अपने नियोक्ता के समक्ष रख सकते हैं इसलिए उनको ये अधिकार दिया गया है लॉ बनाकर इसके साथ ही साथ जो दूसरा अधिनियम पास किया गया है भारतीय संसद के द्वारा वह है औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम उन्नीस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इस लॉ का उद्देश्य ये होता है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है जो भी निर्णय किसी उद्योग में लिए जा रहे हैं उन निर्णयों की सूचना कैसे कर्मचारी तक पहुंचे और वो निर्णय न्याय संगत हैं कि नहीं है उसके क्या क्या आवश्यक भाग हैं उन भागों को सुनिश्चित करना उन भागों को ध्यान में रख करके स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना और उस स्टैंडिंग ऑर्डर का पालन किया जाना इसके बाद जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लॉ है वह है औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 किसी भी उद्योग में जब हम औद्योगिक संबंध स्थापित करने की बात करते हैं तो औद्योगिक संबंध का सामान्य से तात्पर्य यह हुआ कि उस उद्योग में कोई औद्योगिक विवाद नहीं है अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई विवाद है तो उस उद्योग में औद्योगिक संबंध अच्छा है यह यह कह पाना कठिन होगा ऐसे में इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी तरह के औद्योगिक विवाद का निवारण करना है जब औद्योगिक विवाद का निवारण किया जाएगा तभी औद्योगिक संबंध सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए उपरोक्त कानूनों का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है और हाल ही में भारतीय संसद ने एक नया संहिता बनाया है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 पारित किया गया है 2020 में पारित होने के बाद अभी तक इस संहिता को लागू नहीं किया गया है अगर यह संहिता लागू होगा तो है ये जो के तीन अधिनियम हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इन तीनों को यह रिप्लेस कर देगा इन तीनों को यह रिपील कर देगा और इसकी जगह पर यह कोड आ जाएगा यह संहिता उपरोक्त सभी कानूनों की जगह लेगी और औद्योगिक संबंधों को करेगी। लेकिन अभी तक यह संहिता लागू नहीं हुआ है अगर यह संहिता लागू होगा तब कुछ परिवर्तन यहां पर होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और औद्योगिक संबंध के विषय क्षेत्र पर चर्चा करते हैं जैसा मैंने कहा था औद्योगिक संबंध की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है गतिशील अवधारणा का तात्पर्य है कि औद्योगिक संबंध समय परिस्थिति और, और और स्थान के परिप्रेक्ष्य में बदलती रहेगी अगर आज किसी इंडस्ट्री में औद्योगिक संबंध अच्छा है और किसी इंडस्ट्री में बुरा है तो कल को जहाँ पर यह संबंध बुरा था वहाँ अच्छा हो सकता है और जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा हो सकता है और इसके अलावा ढेर सारे कारक हैं जिससे यह संबंध हमेशा प्रभावित होता रहेगा तो अंततः औद्योगिक संबंध एक गतिशील अवधारणा है यह संगठन और उद्योगों के अतिरिक्त समाज में भी हस्तक्षेप करता है जो औद्योगिक संबंध है अगर औद्योगिक संबंध प्रभावित होगा किसी उद्योग में और उस उद्योग में उत्पादन प्रभावित होगा उत्पादन नहीं होगा तो ऐसे में जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो समाज में नहीं पहुंच पाएंगी और समाज की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी और अंततः समाज में भी इसका प्रभाव पड़ेगा कभी कभी समाज में लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन आ सकती है अगर उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है तो ऐसे में यह कहना कि औद्योगिक संबंध केवल और केवल नियोक्ता कर्मचारी और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य तक सीमित है ये गलत होगा औद्योगिक संबंध समाज के लिए भी आवश्यक है इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है यह सामाजिक संबंधों से संबंधित है और सामूहिक सामाजिक संबंध बनाता है औद्योगिक संबंध में नियोक्ता कर्मचारी राज समाज सभी शामिल हैं। एक उपभोक्ता भी शामिल है तो ऐसे में जो औद्योगिक संबंध है वह एक सामाजिक संबंध बनाता है और यह सामाजिक संबंध सामूहिक प्रकृति का होता है सामूहिक सामाजिक संबंध निर्धारित करता है यह संबंध प्रचलित आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है जो भी आर्थिक नीति होगी जो भी राजनीतिक नीति होगी उस आर्थिक नीति और राजनीतिक नीति के अनुसार ये ये आ, आ, जो औद्योगिक संबंध है ये बदलते रहेंगे राज्य द्वारा बनाई गई नीतियाँ और कानून इसे नियंत्रित करते हैं और मैंने जैसा आप, आप आ, बताया कि राज्य की भूमिका यही है कि वो लॉ बना करके कानून बना करके इस संबंध को विनियमित करता है औद्योगिक संबंध पर सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है अगर अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है किसी समाज में तो ऐसे में उसका प्रभाव वहाँ के उद्योग पर भी दिखाई देगा और अगर उसका प्रभाव उद्योग पर होगा तो जो औद्योगिक संबंध है वो भी बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़े इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते आर्थिक शक्तियां हैं इनका भी प्रभाव पड़ेगा सामाजिक शक्तियां हैं उनका भी प्रभाव पड़ेगा औद्योगिक संबंध इन सबसे प्रभावित होता है औद्योगिक संबंध का उद्देश्य औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या होगा क्यों हम औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करें किसी भी उद्योग के संदर्भ में औद्योगिक संबंध का उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अच्छे और स्वस्थ संबंध को सुनिश्चित करना है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो कि सबसे एक एक जटिल मानवीय संबंध है इस इस संबंध को अच्छा और स्वस्थ बनाना ही औद्योगिक संबंध का उद्देश्य है अगर ये संबंध अच्छा और स्वस्थ होगा तो उत्पादन सुनिश्चित होगा और उस तरह से उस इंडस्ट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी उस स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आएगी और आपके कर्मचारियों का भी आर्थिक हित सुनिश्चित होगा औद्योगिक संबंध का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता को सुविधाजनक बनाना उत्पादकता या फिर उत्पादन सुविधाजनक तब होगा जब एक एक स्वस्थ और अच्छा औद्योगिक संबंध होगा अगर औद्योगिक संबंध प्रभावित होगा तो उत्पादन भी प्रभावित होगा किसी उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारी के अधिकारों और हितों की रक्षा करना भी औद्योगिक संबंध का उद्देश्य है यहाँ पर हम केवल नियोक्ता के अधिकारों और हितों की बात नहीं यहाँ पर हम कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की भी बात करते हैं किसी भी उद्योग के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों महत्वपूर्ण है इसलिए हम किसी एक को प्रिविलेज देख करके किसी एक के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करके किसी दूसरे को अवॉइड करके नहीं चल सकते हमको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस हमको दोनों को समान महत्व तो देना होगा एक अच्छा सामंजस्यपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध प्राप्त करना भी औद्योगिक संबंध का उद्देश्य है सामंजस्यपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभ का तात्पर्य यहां पर है दोनों पक्षकारों मूलतः इनके अलावा और भी पक्षकार हो सकते हैं जैसे नियोक्ता का आर्थिक हित सुनिश्चित करना कर्मचारी का आर्थिक हित सुनिश्चित करना और साथ ही साथ उपभोक्ता का भी हित सुनिश्चित करना कि कोई भी वस्तु उत्पादित होकर के उसके पास पहुंच रही है औद्योगिक संबंध का तात्पर्य उद्योग में अस्वस्थ वातावरण से बचना भी होता है वातावरण अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उत्पादन फिर प्रभावित होगा तो ऐसे में औद्योगिक संबंध एक अस्वस्थ वातावरण से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्य संबंधित पक्षों को नियंत्रित और अनुशासित करता है और उनके परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करता है यह राज्य की भूमिका है राज नियोक्ता और कर्मचारी के परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करने का काम करता है उनके हितों को समायोजित करता है अनुशासित करता है और यही राज्य की भूमिका है और इस तरह से औद्योगिक संबंध का उद्देश्य इस समायोजन का भी है एक कल्याणकारी राज्य में राज्य कानूनों के माध्यम से अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसा मैंने कहा लोक कल्याणकारी राज्य में ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी पक्षकारों के हितों का ध्यान रखे और सभी पक्षकारों के हितों में अगर टकराव होती है और यहाँ औद्योगिक संबंध के संदर्भ में अगर नियोक्ता और कर्मचारी के हितों में टकराव होती है तो ऐसे हितों के टकराव को रोकना उसे विनियमित करना ये राज्य की जिम्मेदारी है आगे बढ़ते हैं और औद्योगिक संबंधों के स्वरूप की बात करते हैं औद्योगिक संबंध के स्वरूप से पूर्व हम औद्योगिक संबंध के पक्षकार पर चर्चा करें औद्योगिक संबंध में जो प्रमुख पक्षकार हैं वो है राज्य नियोक्ता और श्रमिक या उनके ट्रेड यूनियन तो राज यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नियोक्ता और श्रमिक शामिल होते हैं और श्रमिकों के तरफ से उनके ट्रेड यूनियन शामिल होते हैं कभी कभी यह भी होता है कि अगर उद्योग राज्य के द्वारा स्थापित किया गया तो राज्य वहां पर नियोक्ता के रूप में भी होता है तो नियोक्ता और राज एक एक समानार्थी शब्द यहां पर हो जाएगा अगर ऐसी इंडस्ट्री है औद्योगिक संबंध प्रभुत्व समर्पण सिंड्रोम में बदल जाता है अब अब जैसा मैंने आपसे बताया लेजिस स्टेट में जहां पर अहस्तक्षेप की नीति चलती थी राज्य को कोई प्राधिकार नहीं था हस्तक्षेप करने का और जो भी आर्थिक मामले थे वो पूंजीपतियों के द्वारा खुद डिसाइड किए जाते थे तो ऐसे में उनका एक प्रभुत्व हुआ करता था लेकिन एक कल्याणकारी राज्य में जब वो औद्योगिक संबंध को स्थापित करने और उसको अच्छा और स्वस्थ बनाने में आ, के लिए कमिटेड हैं आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो प्रभुत्व का वो था वर्चस्व का जो उनका टेंडेंसी था उसको वो समर्पित करते हैं और उसको प्रभुत्व उस समर्पण सिंड्रोम में बदल देते हैं प्रभुत्व की संस्कृति के ढांचे के भीतर औद्योगिक संबंध का प्रबंधन तीन रूप ले सकता है किस तरह से आप उस प्रभुत्व को कम करते हैं कैसे आप औद्योगिक संबंध को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए आप आप कार्य कर सकते हैं पहला है आपका प्रतिस्पर्धा करके प्रबंध करना क्या आप प्रतिस्पर्धा करके आप आप इंडस्ट्री के चीज़ों को मैनेज करेंगे या फिर स्वीकार करके प्रबंध करना जितने भी डिमांड हो कर्मचारियों के क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे हर नियोक्ता के लिए ये संभव नहीं है कि वो कर्मचारियों या उनके ट्रेड यूनियन की सारी मांगों को पूरा करते और अगर प्रतिस्पर्धा करके चलते हैं तो वहाँ पर भी जो प्रबंधन है उस उस उद्योग का वो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से फिर सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा इसमें तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है वो है मिलकर प्रबंध करना जो औद्योगिक संबंध का मैनेजमेंट है उसका जो प्रबंधन है इसमें अगर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों शामिल होते हैं तो प्रबंधन बहुत आसान होगा सुचारू होगा दोनों के हितों को समायोजित करेगा और दोनों के हितों के टकराव की कम से कम वहाँ पर चांसेस होंगे और इस तरह से जो औद्योगिक संबंध का स्वरूप है उसमें सहयोगात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाया जाता है किसी भी समस्या का समाधान एक दूसरे की सहयोग से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे नियोक्ता कर्मचारी आपस में सहयोग करेंगे और जो भी कठिनाइयां हैं जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और, और इसी समस्या समाधान के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को परिवर्तनकारी प्रक्रिया मॉडल भी कहा गया है तात्पर्य यहाँ पर है कि जो भी अन, औद्योगिक संबंध का निर्धारण है उसके लिए नियोक्ता और कर्मचारी कहाँ तक एक दूसरे से सहयोग करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले ढेर सारे कारण हैं औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक औद्योगिक संबंधों की सफलता मौजूदा शक्ति समीकरण पर निर्भर करती है शक्ति समीकरण का तात्पर्य यहाँ पर कि आपका नियोक्ता कितना शक्तिशाली है या फिर कर्मचारियों का जो ट्रेड यूनियन है वो कितना शक्तिशाली है औद्योगिक संबंध में शक्ति समीकरण विभिन्न कारकों द्वारा कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे पहला है उद्योग में ट्रेड यूनियन का मजबूत अस्तित्व अगर ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत होगा तो जो संबंध को प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो ट्रेड यूनियन के पक्ष में होंगे उस उद्योग में हड़ताल की गतिविधियाँ उद्योग में सांस्कृतिक विविधता उद्योग से संबंधित राजनैतिक आर्थिक संस्थाएं उद्योग में जनसांख्यिकीय की संरचना और नियोक्ता और कर्मचारी का व्यवहार ये कारक हैं जो औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हैं औद्योगिक संबंध के विकास में जो कठिनाइयां हैं महत्वपूर्ण रूप से वो है श्रमिकों को कम मजदूरी दिया जाना अगर श्रमिकों को मजदूरी कम दिया जाएगा तो वो कभी भी औद्योगिक संबंध अच्छा और स्वस्थ नहीं हो पाएगा श्रमिकों की अज्ञानता और अशिक्षा भी एक कारण है उन्हें औद्योगिक और श्रम विधियों के बारे में जानकारी नहीं है और कभी कभी उनके शोषण का माध्यम भी बनता है श्रमिकों की विविधता विविधता होने के कारण वो यूनाइट नहीं हो पाते हैं श्रमिकों की अनुपस्थिति महिला श्रमिक उनके लिए वर्क प्लेस पर सुरक्षा और बाल श्रम ये ऐसे कारक हैं जो औद्योगिक संबंध के स्वस्थ विकास में एक कठिनाई हम अब सारांश के रूप में अंतर देखते हैं कि इस व्याख्यान में हम लोगों ने क्या क्या समझा या जाना पहला हम लोगों ने ये जाना एक अच्छा औद्योगिक संबंध दोनों पक्ष की आर्थिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पर निर्भर करता है औद्योगिक संबंध में सेटिस्फैक्शन का लेबल कर्मचारियों के तरफ से या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेटिस्फैक्शन आर्थिक भी है सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा और और प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होने का तात्पर्य वहां पर औद्योगिक संबंध अच्छा है इसका उद्देश्य सामूहिक सामाजिक संबंध स्थापित करना या बनाना है औद्योगिक संबंध राज्य के लिए कर्मचारी के लिए, लिए उपभोक्ता के लिए और अंततः पूरे समाज के लिए एक सामाजिक संबंध सुनिश्चित करता है नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अच्छे और स्वस्थ संबंध औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच औद्योगिक संबंध अच्छा और स्वस्थ नहीं है इसका मतलब औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अच्छा संबंध सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है सहयोगात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण कुछ उद्योगों में अपनाया जाता है और ये वहाँ पर एक परिवर्तनकारी मॉडल के रूप में माना जाता है जहाँ पर औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करने में स्वस्थ बनाने में अच्छा बनाने में इसका सहयोग औद्योगिक संबंधों की सफलता मौजूदा शक्ति समीकरण पर निर्भर करती है कौन ज़्यादा पावरफुल है अगर ट्रेड यूनियन कमज़ोर होगा तो नियोक्ता अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा कर्मचारियों के मांगों को पूरा नहीं करेगा और एक तरह से जो औद्योगिक संबंध है वो प्रभावित हो सकता है या फिर कर्मचारियों का शोषण हो सकता है तो ऐसे में कौन शक्तिशाली है ये भी एक फैक्टर है और अंततः राज्य संबंधित पक्षों के परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करता है राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है इस औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करने में किसी भी उद्योग में केवल नियोक्ता और केवल कर्मचारी मिलकर के उस औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित कर पाए यह कहना कठिन होगा और इसलिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है धन्यवाद